नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके टेक में। मैं पीयूष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर डायरेक्टर ऐप में एडवांस लेवल यानी कि ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात किया था उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं और कहाँ पर से कैसे, बहुत ही बेसिक बातें मैंने कल के वीडियो में बताई थी, कल के ट्यूटोरियल में मैंने बताई थी। तो आज हम मल्टी लेयर एडिटिंग करके देखेंगे कि कैसे ग्रीन स्क्रीन यानी कि क्रोमा की का यूज़ इस ऐप में करते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कुछ ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट्स हैं जो YouTube में आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड कैसे करना है वो आपको भली भांति पता है, यदि नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए या पर्सनल मैसेज करके पूछिए, मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट्स पहले से ही अपने फ़ोन में सेव कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ वीडियोस मैंने ग्रीन स्क्रीन वाले ऑलरेडी यहाँ पर अपने फ़ोन गैलरी में सेव कर रखा है। आइए अब देखते हैं पावर डायरेक्टर ऐप में। तो सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट में चले जाइए। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप प्रोजेक्ट का नेम दे दीजिए। नेम देने के बाद आप यहाँ पर वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए, 16:9:16:1:1। तो मैंने यहाँ कल 16:9 सेलेक्ट किया था, आज 9:16 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, जैसे ये एक वीडियो है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है अपने मेन लाइन पर। और अब इसमें हम चले जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ जाएंगे वीडियो में। वीडियो में जाने के बाद जहाँ पर वो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो मैंने डाउनलोड किया था वहाँ से मैं इसे ले आऊँगा और अपने इसको हम कर लेंगे एडिट। क्रोमा की, ये देखिए क्रोमा की डाल दिया और कर दीजिए प्ले। देखिए अब वो मगरमच्छ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ डेमो देने के लिए बनाया है और यहाँ पर इसमें कुछ उतनी क्रिएटिविटी दिख नहीं रही है। तो आप अपने हिसाब से अपना क्रिएटिव माइंड लगा के कि कैसे इस मगरमच्छ को या उस हेलीकॉप्टर को या बुलेट इफेक्ट को कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो टोटली आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। इसमें तो मैंने जस्ट आपको डेमो के लिए ये एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ करना है, आप इसमें कितने भी लेयर लगा सकते हैं, 2, 3, 4, 5 आपकी मर्जी है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सबसे ऊपर ये वाला जो ट्रैक है ये बैकग्राउंड में हो जाता है और इसके बाद आप जितने लेयर्स डालते जाते हैं तो लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ता जाता है, सबसे पीछे आपका लेयर यही रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो आप डालेंगे इस ट्रैक में आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको क्रोम की का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे इसमें आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्रोम की का ऑप्शन आ जा रहा है, यहाँ भी आपको क्रोम की का ऑप्शन आ जा रहा है, लेकिन इस फर्स्ट ट्रैक में क्रोम की का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ट्रैक ही हमारा बैकग्राउंड ट्रैक होता है। तो इस ऐप की यह एक लिमिटेशन भी मान सकते हैं कि इस फर्स्ट ट्रैक में आपको क्रोम की का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये हमारा मेन, फिर हमारा ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, आप जितनी भी लेयर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं लेयर में, आप वीडियो डाल सकते हैं लेयर में और इस तरीके के वीडियो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्रोम की कैसे यूज़ करना है इस ऐप में वो आपको समझ में आ गया होगा, पावर डायरेक्टर में क्रोम की का यूज़ कैसे करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।